Slugbrain! Slugbrain! प्लीज रेड हुक, क्या आप सिर्फ एक बार कॉर्ड का डायग्राम देखेंगे? मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस एक ब्लास्टर चाहिए। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। फ्यूजन सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक कल्पना है, यूनिवर्सल स्लग की तरह या ओडरलेस प्लम्बिंग की तरह। ये कोई कहानी नहीं है, मैंने खुद देखा है। ओडरलेस प्लम्बिंग नहीं, एक फ्यूजन। अनबीटेबल मास्टर के पास वो ब्लास्टर था और प्रतिभा थी, जिससे वो दो स्लग्स एक दूसरे के साथ मिलकर और भी पावरफुल फोर्स बन जाते थे। तो फिर उस मास्टर को फिर से दिखाने को कहो और मुझे कन्विंस करो। ब्लैक की वजह से अब वो नहीं कर सकती, उसने खुद के लिए एक पावरफुल नया हथियार बनाया है और अब मास्टर भी जा चुकी है। और जा चुकी है इसका मतलब कि शहर से बाहर। सिर्फ फ्यूजन ही ब्लैक के हथियार का सामना कर सकता है, और मुझे वो सीखना है इससे पहले ब्लैक अपना हथियार रिपेयर करे। क्या अगर पॉसिबल हुआ भी तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वो अचीव कर सकते हो? तुम अनबीटेबल मास्टर नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। और मैं कोई मास्टर स्लिंगर स्मिथ नहीं हूँ तुम्हारी तरह, पर मैंने एक डिजाइन बना है जिससे आप स्पेशल ब्लास्टर बना सकते हो, जिससे ईलाई फ्यूजन मूव सीख सके। देखने में तो ये ठीक ठाक का डिजाइन लगता है, लेकिन इसमें अब भी काफी टेक्निकल प्रॉब्लम भी लगता है। मुझे लगता है अगर हम इसमें दो चार पार्ट्स और जोड़ दें तो ये और बेहतर हो सकता है। क्यों? कोई रोक कोई नहीं। पर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो पार्ट्स इसमें फिट बैठ सके, ताकि पिस्टल्स में प्रॉब्लम ना हो। हाँ। फिर भी ये मुमकिन नहीं है। इस ब्लास्टर को वाइटालिस क्रिस्टल चाहिए जो सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करे। क्या उन्हें ढूंढना मुश्किल है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई साल पहले वाइटालिस जगह जगह पाए जाते थे, पर वो पुरानी बात थी। आखिरी बार उसे एयर रीमॉड्यूलर ने इस्तेमाल किया था, पर उम्मीद है कि वो तुम्हें मिल जाए। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। उस गुफा में मिलेगा जहाँ ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स और एक्स्ट्रा सामान जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। मतलब पागल कर देगा। एक जंकयार्ड? कोई ऐसा वैसा जंकयार्ड नहीं, भंगार का पहाड़ है। वाइटालिस क्रिस्टल को ढूंढने में वक्त लगेगा, जैसे अब शायद 2 साल। वैसे इस कबाड़ खाने में वो हमें आसानी से मिल तो जाएगा ना? वो देखो। एयर री मॉड्यूलेटर। एक है स्टॉक में जो डीप स्टोरेज में है। बहुत अच्छे, तो हम वहां तक पहुंचे कैसे? मैं वहां अब तक कभी नहीं गया। ये लो, ये डीप स्टोरेज का मैप है, जिसे देखकर लगता है वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं मेरे साथ 2 दिन आगे कपड़े नहीं लेकर आया हूँ। हाँ। और वो भी मैकास पर जाए तो, और ये कह रहा है कि वहाँ मैकास अलाउड नहीं है। पैदल जाएंगे तो शायद कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अगर इससे जाना है तो मुझे लगता है कि मैं पैदल जाऊंगी तो जल्दी पहुंचूंगी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस तरह की मशीन के बारे में कुछ पता नहीं है जी। अब प्रॉन्टो की स्मूथ पायलट टेक्निक तुम्हारे डाउट दूर करेंगी ना। ये एयर रीमॉड्यूलेटर असल में होता क्या है? Well, वो एक डिवाइस है जो कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर को क्लीन और रीऑक्सीजनेट करता है। तुम्हारा मतलब है कि वो एक एयर फ्रेशनर है? ये मजाक का वक्त नहीं है। वाँ! 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 वाँ!
प्रॉन्टो, क्या इससे पहले तुमने ये कभी चलाई है? नहीं, पर ये बिल्कुल मेरे बचपन की ट्राइसिकल जैसा ही जी। ट्राइसिकल्स में जॉयस्टिक्स नहीं होते। हाँ, पर मेरे ट्राइसिकल पर जॉयस्टिक्स लगे हुए थे। ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ। लगता है एक छोटी सी प्रॉब्लम है भैया। डीप स्टोरेज में जाने का कोई अच्छा रास्ता होगा? तुम्हें पैदल चलने से तेज जाना था ना, तो प्रॉन्टो तुम्हें उससे तेज ले आया जी। क्या ये डीप स्टोरेज है? बिल्कुल है जी, मुझे पूरा भरोसा है अपनी नाक पे। हम कचरे के ढेर के एक नए लेवल पर आ गए हैं। जो भी उस क्रिस्टल को ढूंढकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहे, हाथ ऊपर करो। समझ गया, दो शब्द लगता है जैसे पागल ट्रोल है। हम टम शराज नहीं खेल रहे हैं। तुम हमारा पीछा कर रहे थे क्यों? शायद उसे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। तुम्हें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। हाँ? हमें तुम मिल गए हो। सुनो दोस्तों, हम तो बस कस्टमर्स हैं और स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हैं और खो गए हैं। यहाँ आने के लिए हमारे बॉस एम्बर की परमिशन लेनी चाहिए थी। तो हमें उनके पास ले चलो ताकि हम उनकी परमिशन ले सके। हाँ। तुमने बहुत देर कर दी है साथियों, इसे क्या सजा दी जाए? अपने सारे हथियार हमें सौंप कर जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। हाँ, ये नहीं हो सकता। हम वो किसी भी हालत में ले सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा लड़ते हैं। बॉस को इनके साथ लड़ने में बड़ा मजा आएगा। ओह, फायरिंग, रुक जाओ। तुम लोग कौन हो? हम हैं शेन गैंग। शायद तुमने हमारे बारे में सुना होगा। हाँ, शायद तुमने हमारे बारे में सुना हो। हम हैं टफ गाइस। ये अनोखा नाम चुनने में काफी वक्त लगा होगा ना? देखा, कहा था ना बहुत बुरा नाम है। कैसा रहेगा अगर तुम अपने आप को बुलाओ जंकयार्ड बॉयज या द स्क्रैप फोर्स? द स्क्रैप फोर्स अच्छा नाम है स्ट्रैगस। द स्क्रैप फोर्स अच्छा होगा अगर तुम लोग हमें वो पार्ट ढूंढने दो और यहाँ से चले जाओ। भले ही आप पार्ट फ्री में मिलते हो, पर उन्हें पाने के लिए फीस भरनी पड़ती है। अपने स्लग्स और ब्लास्टर्स दे दो, फिर जो चाहे ले जाओ। बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, अब तुम टफ गाइस के हाथों नहीं बच सकते। स्क्रैप फोर्स एक एक्समीटर स्लग। वहां से दूर हटो। थोड़ी देर तक सारी इलेक्ट्रॉनिक पावर बंद हो जाएगी। हमारे ब्लास्टर्स भी और उनके भी। ये हम हारे नहीं, पर हमने कुछ लूटा भी नहीं। बॉस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। शायद बॉस इससे खुश हो जाए।
उस एक्स मेटा का इफेक्ट जल्दी चला जाएगा। हमें उस एयर मॉड्यूलेटर को जल्द से जल्द ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैंने मैप खो दिया, हमें वापस जाना होगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी, प्रांटो के पास अपने दिमाग में दूसरा नक्शा है। तो हमें वहाँ ले चलो शातिर दिमाग। तुम एक छोटे से कस्टमर के दल को नहीं लूट पाए? बॉस वो लोग काफी अच्छा स्लग स्लिंग करते हैं। मुझसे भी अच्छा? नहीं नहीं सर, बॉस एम्बर आपसे अच्छा और बेहतरीन कोई नहीं है। वो खुद को शेन गैंग कह रहे थे। शेन, नाम सुना हुआ लगता है, तगड़े दुश्मन लगते हैं। ओ, गैंग के नाम की बात हो रही है तो क्या हम अपने गैंग का नाम चेंज कर सकते हैं? ये कैसा रहेगा, द स्क्रैप फोर्स? वो बड़ी बेसब्री से किसी गैजेट को ढूंढ रहे थे, देखिए। अगर शेन गैंग उसे ढूंढ रही है तो वो बहुत कीमती होगा। ये लो वो गैजेट, मुझ तक लाओ और उन्हें भी। पर बॉस वो सच में बहुत शातिर है। जब मैं उस गैजेट को बेचूंगा तब तुम अपना हिस्सा ले सकते हो, या फिर मैं तुम्हें हिस्सों में बांट कर उन्हें बेच दूंगा। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम मुझ पर उल्टी करो। एक और बात, गैंग का नाम स्क्रैप फोर्स रखो, ये टफ गाइस से तो काफी अच्छा है। यस, मुझे पता था। प्रांटो मैप पर लगे पानी के दागों को नहीं ढूंढ रहा, इस तरफ मेरे पीछे आओ जी। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। कहीं वो पानी का दाग तुम्हारे दिमाग में तो नहीं है ना? तुम ढूंढ सकते हो प्रांटो, अपने शातिर दिमाग पर जोर दो। माई बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, मेरी याददाश्त और खोजी टेक्निक काबिले तारीफ है। सिर्फ क्या है कि कभी कभी मेरे डांस करने का मन करता है ना, इस तरह। वो एयर मॉड्यूल जो भी है, क्या वो कैबिनेट में है? उस मैप पे पानी का दाग नहीं था जी, वो वाटर लीकेज की ड्राइंग थी। ये वो जरूर होगा, यहाँ भी नहीं फिर कहाँ होगा? तुम क्या ढूंढ रहे थे? ये The air remodulator? अब चलो भी दोस्तों, वो चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये तो हमारे बॉस एम्बर डिसाइड करेंगे कि ये हमारे काम की है या तुम्हारे काम की। अगर होशियारी की तो हम इसे तोड़ देंगे। बहुत अच्छे यहाँ इस तरह की क्वालिटी के ब्लास्टर्स आसानी से नहीं मिलते। एक काम ढंग का कर ही लिया। हाँ, अब हम पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और हम हैं स्क्रैप फोर्स। देखा, मैंने कहा था ना अच्छा नाम काम करेगा। एक गैंग का नाम अच्छा हो तो बात ही कुछ और है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इलाई शेन हो, क्यों है ना? और तुम कौन हो? तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा, मैं हूँ बॉस एम्बर। नहीं, कोई आइडिया नहीं जी। बॉस क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस डीप स्टोरेज का पहरेदार हूँ। कोई कस्टमर या चीज मेरी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आती। तो तुम खुद ही ये करते हो ना? तुम यहाँ लोगों को इसलिए लूटते हो क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। काफी समझदार हो, और तुम इस गैजेट को ढूंढ रहे हो, यानी ये जरूर कीमती है। और ये मुझे नहीं पता, ये एक एयर फ्रेशनर है, हम केव ट्रॉल के साथ रहते हैं। फिर भी मैं इस चीज को बाजार में बेचूंगा, शायद डॉक्टर ब्लैक इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तुम्हें कितना सोना चाहिए? इस केस में पैसे से ज्यादा इज्जत प्यारी है। मैं खुद को सबसे बेहतरीन स्लग सिंगर समझता हूँ, और सुना है कि तुम मेरे लिए अच्छा चैलेंजर बन सकते हो। तो एक सौदा करते हैं शेन, तुम और मैं एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अगर मैं हारा तो गैजेट तुम्हारा, मैं जीता तो तुम्हारे ब्लास्टर्स स्लग्स मेरे, समझो। ये आसान काम है,
उसे तो ठीक से ब्लास्टर भी पकड़ने नहीं आता होगा। ठीक है एम्बो, चलो हो जाए। हमारे इस चैलेंज के बारे में मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। मैं तुमसे काफी ताकतवर हूँ। आखिरकार कोई तो मिला जिसे मैं बराबरी का मुकाबला कर सकता हूँ। हाँ, वो तो देखा जाएगा। क्या कहा? देखा, मैंने कहा था ना बहुत अच्छा है। तुम बंदरों को ये अच्छा लगता होगा। अब देखो तुम्हारे मास्टर का कमाल। वहाँ क्या कर रहे हो? उसे मारने में मेरी मदद करो। ये तो चीटिंग है। यहाँ चीटिंग चलती है। हम तुम्हारे साथ हैं इलाय। हमारे स्लग्स खत्म हो गए। हम जीत सकते हैं अगर वो एक्समीटर स्लग इस्तेमाल ना करे तो। वो दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इतने स्मार्ट नहीं है। तुम हार गए। नहीं बेवकूफ। कमॉन, क्या किया तुमने? काम से निकाल दोगे? जाओ दिखाओ अपना कमाल। लगता है तुम्हारा निशाना काफी कमजोर है। मेरा निशाना तुम नहीं थे। वैसे मेरे स्लग्स ने तुम्हें हरा दिया, मतलब मैं जीत गया ईमानदारी से। चलो चलें। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो ईमानदारी से जीते, इसलिए। मैं खुद उन्हें देख लूंगा। तुम सब नाकारा हो। वाह बहुत बढ़िया, अब हम क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना कि ऊपर वाले को गैंग मेंबर चाहिए। वो रेलवे ही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। प्रांटो ने सूख लिया है कि एक्सेल ग्रीस की खुशबू आई जी। मेरे अंदाजे से ट्रेन आ रही है। प्रांटो! यहाँ से जी, हाँ ढूंढ लिया। अपना कमाल दिखाओ प्रांटो। बस मुझे धक्का लगाओ। तेज चलाओ प्रांटो, वो हमारे पीछे ही है। नहीं चला सकता जी, मोटर काम नहीं कर रही उस एक्समीटर स्लग की वजह से। हमारे ब्लास्टर्स भी। सकते ही जी, झूठ ही बोल लो। ऐसे ही उसकी तरफ स्लग नहीं फेंक सकते।
हमारी स्पीड काफी ज्यादा है। उसे उस शेड में डाल लो, दिखाओ अपना कमाल। वो होल जाता कहाँ है? गहरी खाई में जाता है जी। मुझे याद है प्रॉन्टो के दिमाग में वो मैप छपा हुआ है जी। और देखो हमें यहाँ क्या मिला, The Exmitter Slug। हे, कैसे हो दोस्त, टीम में तुम्हारा स्वागत है। अब से मैं अपने सारे ऑर्डर्स ईमेल पर मंगवाऊंगा। ओह, सिर्फ एक वाइटालिस क्रिस्टल ही नहीं पर एक एयर रीमॉड्यूलर भी लेकर आए, इसलिए इसमें काफी ताकत है। क्या बात है, पर एक क्रिस्टल और ब्लूप्रिंट से तुम इतनी जल्दी फ्यूजन स्लग नहीं बना सकते, इतनी जल्दी तो नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर ब्लैक को अपना ब्लास्टर रिपेयर करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अगर उसने हमसे पहले उसे रिपेयर कर दिया तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। लगते हैं जैसे वो सच में हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। शायद मैंने कुछ कहा होगा, मेरे साथ ये हमेशा होता है। गॉड, वो क्या कर रहे हैं? चेक करता हूँ, मुझे कवर करो। मुझे ग्रेन्यूक स्लग्स पसंद है। अरे नहीं, डॉक्टर ब्लैक आ रहा है। उन्हें खत्म करते हैं बॉस। आगे बढ़ते रहो, अब वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। प्रांटो अपने आखिरी स्लग तक लड़ेगा जी। अब वैसे ये आखिरी बचा मेरे पास। इलाई, वो हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसमें गहरी खाई। डॉक्टर ब्लैक को लगता है वो हमें अपने जाल में फंसा लेगा, पर हम उसे गलत साबित करेंगे। चलो मेरे साथ। इलाई, हम बुरी तरह फंस चुके हैं, ये तो डेड एंड है। ब्लैक चाहता है कि हम खाई में जाएं, तो चलो उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। नहीं होगा, बस हमें उस नए गैजेट को इस्तेमाल करना होगा। उस लाल लिवर को खींचो अभी। ठीक है, उतरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। मुझे बच्चों की तरह संभालने की जरूरत नहीं है। आप खड़े रह के तमाशा मत देखो, मेरी मदद करो जी। दोस्तों वो देखो। तो आपको लगता है वो बच गए होंगे बॉस? अगर किसी तरह वो बच भी गए तो भी वो ऊपर नहीं आ सकेंगे। चलो चले यहाँ से।
मैं इस चीज को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है क्या है वो? मैंने इस चीज को पहले भी देखा है, ये बिल्कुल ड्रॉप की तरह दिख रही है। अगर शेन्स ऊपर की दुनिया से स्लग टेरा तक लिफ्ट बना सकते हैं तो वो स्लग टेरा से यहाँ तक भी बना सकते हैं। पर एक शेन यहाँ क्यों आना चाहेगा? सुनकर अच्छा लगा कि तुमने पूछा, क्योंकि प्रॉन्टो ने अच्छी तरकीब सोच रखी है। ये देखो जी प्रॉन्टो। ये क्या हो सकता है? पता नहीं, पर ये जो भी है वो यहाँ आने के लिए बहुत बेताब है। चलो सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ओह, ये क्या है? वो तो स्लग्स हैं। इनमें कुछ तो अलग बात है। जहाँ तक मुझे पता है ये जरूर फोर्स फील्ड होगी, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि उन्हें क्या रोक रहा है। ईलाई, शैडो क्लैन। दोस्तों बिल्कुल शांत रहना, अब जरा भी हलचल मत करना। मैं सिर्फ ये चीज पहनने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हारी बात समझ सकूँ, ठीक है? मैं हूँ इलाई शेन, ये मेरे डैड की है। ये कौन सी जगह है? ये स्लग टेरा का बॉर्डर है। तुम एक क्रॉसिंग पर आए हो, और वो भी वहां पर। क्रॉसिंग? कहां पर? गहरी गुफा से, डार्क ग्रीन का घर, सिर्फ गार्डियन स्लग्स इसको नजदीक आने से रोक सकते हैं। गार्डियन स्लग्स? जो सबसे पावरफुल स्लग्स है। ये कह रहा है कि फोर्स वॉल पर कोई हमला कर रहा है, जिसकी वजह से स्लग्स कमजोर हो रहे हैं और गार्डियंस बस आते ही होंगे, पर पता नहीं वो कितने वक्त तक उन्हें संभाल पाएंगे। वो कभी भी गिर सकती है। क्या हमारे स्लग्स काम आएंगे? तुम्हारे पास भी पावरफुल स्लग्स हैं। वाह क्या बात है, पर गार्डियंस स्लग्स जैसा बनने में तो और गार्डियन स्लग्स की मदद आने तक हमें किसी तरह फोर्स वॉल को गिरने से रोकना ही होगा। इसे मजबूत बनाने का मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा। मैं मजबूत बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ। तुम इसे अपनी जान दांव पर लगाओगे? हम शेन गैंग हैं और यही हमारा काम है। हम पैसेज को खोलने का रिस्क नहीं ले सकते, पर ये शैडो वॉकर दुनिया ले जा सकता है। तुम अच्छी खबर सुनना चाहते हो या बुरी खबर? एक बार अंदर गए तो शायद बाहर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि हम अंदर होंगे तो ये काम नहीं करेगा। और अच्छी खबर क्या है? हम उन राक्षसों से स्लग टेरा को बचा सकते हैं। जैसा कि उसने कहा, अगर डार्क बेन आर्मी अंदर आ गई तो फिर हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी करो, जाओ। गहरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है। ये जरूर डार्क बेन होगा। इशारे पर स्लिंग करना शुरू करो। तैयार, फायर। हम
हमारे स्लग्स को क्या हुआ? वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। यहाँ की काली ताकत उनकी ताकत को कमजोर कर रही होगी। हे तुम, या तो सरेंडर करो या हमसे लड़ो। ये तो लावा फेंक रहे हैं। काला पानी, तुम हमारे साथ आओ। वैसे इसके अलावा मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये तो गूल से भी खतरनाक दिख रहे हैं। इलाई, देखो। देख रहा हूँ, वो सूरज है। यहाँ इस जगह तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही आते हैं। तुम्हारे गार्डियन स्लग्स को इस बात का ख्याल रहे। कौन हो तुम? मैं हूँ ब्रिमस्टोन, डार्क बेन का दाहिना हाथ। मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम हमारे फोर्स फील्ड को नुकसान पहुँचा रहे हो, हम तुम्हें रोकने आए हैं। और वो काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, पर इस वक्त गार्डियन स्लग्स की एक आर्मी पैसेज की सुरक्षा के लिए आने वाली है, और वो बस वहाँ पहुँचने वाली होगी। तो आने दो। अगर हमारा बेहिमत नाकामयाब हुआ तो उस राज्य तक पहुँचने के दूसरे तरीके भी हैं। और जब स्लग टेरा बर्बाद हो जाएगा, तब जो हमारा है हम उसे पाकर ही रहेंगे। सब कुछ हमारे हाथों में ही होगा। हम तुम्हें रोकेंगे, पूरा स्लग टेरा रोकेगा तुम्हें। मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ लड़के, तुम्हारी फोर्स फील्ड बस टूटने ही वाली है। डार्क बेन की गैंग आखिरी हमले की तैयारी कर रही है। तुम अब बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो ये बात है, ये कह रहा है ये तुम्हें जानता है, ये कहता है तुम शेन हो, मतलब तुम मेरे काफी काम आ सकते हो। और इस यंग शेन की वजह से तुम्हारी जान बच गई। इनके रहने का बंदोबस्त करो, तुम लोग अपने स्लग्स अपने पास ही रख सकते हो। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम यहाँ कितने कमजोर हो। सुनो, तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ? चलो तुम्हारा नाम तो बताओ, इतना तो कर सकते हो। हमें यहाँ से निकलना ही होगा इलाई, वो बेहिमत फोर्स फील्ड को किसी भी वक्त गिरा सकता है। जानता हूँ। उम्मीद है वो हमें सोने के लिए नरम गद्दा देंगे जी, क्योंकि पत्थर के ऊपर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। चलो हम वहां छिपते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा है इलाय। ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म हो, इस काली ताकत को कोई तो तोड़ता होगा। काला पानी, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? कम ऑन, अगर उसके पास आइडिया है तो हमें उसे सुनना चाहिए। एक रास्ता है जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, हमें उन्हें गूल करना होगा। ये सच में बढ़िया आइडिया है। क्या? काले पानी की इविल एनर्जी से गूल्स और पावरफुल हो जाते हैं। ये वही एनर्जी है जिससे हमारे स्लग्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। शायद गूल्स बनते ही वो इम्यून हो जाएंगे। क्या? गूलिंग करने का मैकेनिज्म बड़ा ही आसान है, मैं अपने ब्लास्टर मॉडिफाई कर सकता हूँ। वो इतने पावरफुल नहीं बनेंगे जितने डॉक्टर ब्लैक के गूल्स हैं, पर वो पावरफुल तो होंगे ही। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग इससे सहमत हो। हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। और अब हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं,
ये निकालने के लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पहुंचते ही डॉक उन्हें पहले जैसा कर देगा। मैं ये सब समझता हूँ, पर ऐसा कोई तो रूल होना चाहिए जिसे हम भी नहीं तोड़ते। पर लगता है दूसरा कोई चारा नहीं है। क्या तुम लोग वाकई ये करना चाहोगे? तो ठीक है, पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके लिए मुझे माफ करना बर्पी। लग रहा है पर साथ में थोड़ा सा ईविल भी लग रहा है। बोपी, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। दोस्तों, बोपी की आग की रोशनी से उन्हें पता चल गया होगा। हमें हर हालत में फोर्स फील्ड को बचाना है और हम गुल्स के इस्तेमाल से बहिमत को रोकेंगे। सब लोग याद रखना, यहाँ पर काला पानी है, तो जरा संभल कर। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता ये। तुम सरेंडर करो या फिर हमसे लड़ो। हाँ हाँ, हम ये डायलॉग पहले भी सुन चुके हैं। वॉल की तरफ चलो जल्दी। बहुत बढ़िया, चलो। रुक जाओ, मैं तो पीस के रख दूंगा। ये आखिरी वाला था। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, उस बेहिमत को रोकते हैं। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है और हमारे गोल्स बहुत छोटे हैं। तो हम उस ड्रैगन को कैसे रोकेंगे? अगर हम उसे नहीं रोक सकते तो चलाने वाले पर निशाना लगाओ। तुमने हमारे काले पानी का इस्तेमाल किया है, ये काफी मशहूर बनता जा रहा है। ओह, तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ आया हो। हम काफी इंसानों से निपट चुके हैं, शेन से भी। फिर से हमला करो, फोर्स फील्ड गिरने ही वाली है, वो गार्डियन स्लग्स कमजोर हैं। आखिरकार क्रॉसिंग की तरफ जाओ, हम उन्हें दूसरी तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ, हम उन्हें बाद में ठीक कर देंगे। इलाय,
जो भी बचा है सबसे हमला कर दो, हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। ठीक है बोपी, दिखा दो अपना कमाल। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी शेर। तुमने इस बार तो वाकई बाजी मार ली डॉक। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। शायद तुम नहीं जानते पर ये आइडिया स्लक्स नहीं दिया था। ये कह रहा है पहले जब इसने कहा था हमारे स्लग्स गार्डियन बनने के काबिल नहीं है, वो एक को भूल गया था। एक स्लग को गार्डियन स्लग होने से बड़ा खतरा और कोई नहीं हो सकता। हमें तुम पर नाज है डॉक, और हम तुमसे जल्द ही मिलने आएंगे, मैं वादा करता हूँ।